हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ स्टोरी ऑफ होली, तो जो होली की स्टोरी है, मतलब होली क्यों मनाया जाता है, उसके बारे में हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे और मैं उसको हिंदी में आपको समझाता चलूँगा। पहले मैं एक बार इंग्लिश पढ़ूंगा, उसके बाद आपको हिंदी में समझाऊंगा, ठीक है। देखिए क्या दिया, होली नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स इज अ वाइब्रेंट एंड जुबलेंट हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया एंड इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, होली जिसे रंगों का त्यौहार, मतलब फेस्टिवल ऑफ कलर, जिसे रंगों के त्यौहार के रूप में जाना जाता है, एक जीवंत एंड उल्लासपूर्ण, ठीक है, हिंदू फेस्टिवल है, ठीक है, मतलब हिंदू का त्यौहार है, एक बहुत ही जीवंत और उल्लासपूर्ण, मतलब खुशियों का त्यौहार है, ठीक है, जो कि हिंदुओं का त्यौहार है, ठीक है, जो पूरे भारत में, अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में और दुनिया, इन मेनी पार्ट ऑफ द अदर मतलब वर्ल्ड, ठीक है, यह भारत और दुनिया के कई हिस्सों में मनाया जाता है, ठीक है। यह इट मार्क्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग एंड द विक्ट्री ऑफ द गुड ओवर एवल्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है, यह बताता है, यह वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, ठीक है, बुराई पर विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, ठीक है। होल द नेक्स्ट क्या है, द स्टोरी बिहाइंड होली हैज इट्स रूट इन वेरियस हिंदू लीजेंड्स, ठीक है, हिंदू लीजेंड्स, द मोस्ट पॉपुलर बींग द टेल ऑफ प्रहलाद एंड होलिका, ठीक है। मतलब कि होली के पीछे की कहानी की जड़ें विभिन्न हिंदू कलाकारों या हिंदू के द्वारा जो लीजेंड थे उनके द्वारा बताई गई है, जिनमें सबसे जो पॉपुलर कौन सी कहानी है, वो प्रहलाद और होलिका की है। किसकी है, प्रहलाद और होलिका की है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रहलाद वाज द डिवोट फॉलोअर ऑफ लॉर्ड विष्णु मच टू द डिसमे ऑफ हिज फादर किंग हिरण्यकश्यपु, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान दीजिएगा, प्रहलाद जो है भगवान विष्णु का बहुत ही ज़्यादा, मतलब दिल से बहुत ही ज़्यादा उनका फॉलोअर था, बहुत ही कट्टर अनुयायी था, ठीक है, जिससे उसके पिता थे किसके, प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यपु जो थे, वो बहुत ही निराश थे, क्या थे, बहुत ही निराश थे, किससे, प्रहलाद से, ठीक है। हु वॉन्टेड एवरी वन टू वर्शिप हिम इंस्टेड, वो चाहते थे, हिरण्यकश्यप चाहते थे कि मेरी पूजा सब लोग करें, ठीक है। हु वॉन्टेड एवरी वन टू वर्शिप हिम इंस्टेड, ठीक है, ये चाहते थे। एंगर्ड बाई हिज सन डिवेशन टी, क्या बहुत ही गुस्सा होते थे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, विष्णु हिरण्यकश्यप सब्जेक्टेड प्रहलाद टू न्यूमरस पनिशमेंट, ठीक है। देखिए, जो प्रहलाद थे, वो विष्णु जी के भक्त थे और जो उनके पिता जो हिरण्यकश्यपु थे, वो चाहते थे कि ये मेरी पूजा करे, इसी वजह से हिरण्यकश्यपु तो प्रहलाद को कई बार दंडित थे। हिरण्यकश्यप सब्जेक्टेड प्रहलाद टू न्यूमरस पनिशमेंट, मतलब कई बार पनिशमेंट, मतलब सजा दिए थे, ठीक है, दंड दिए थे उनको, ठीक है। बट विथ विष्णु प्रोटेक्शन, मतलब भगवान विष्णु की वजह से, विष्णु प्रोटेक्शन, प्रहलाद इमर्ज अनहार्म एवरी टाइम, मतलब प्रहलाद हमेशा हर बार सुरक्षित बच जाते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, फ्रस्ट्रेटेड हिरण्यकश्यपु, मतलब हिरण्यकश्यप फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, निराश हो जाते थे, ठीक है। ने इनलिस्टेड द हेल्प ऑफ हिज सिस्टर होलिका, तो हिरण्यकश्यप क्या सोचते हैं कि अपनी बहन होलिका को मदद के लिए बोलते हैं, ठीक है, मदद लेते हैं। हु वॉज इम्यून टू फायर ड्यू टू स्पेशल क्लॉक, ठीक है, क्लॉक। इसका क्या मतलब, ध्यान दीजिएगा, कि अपनी बहन होलिका की मदद ली, जो एक विशेष लबादे के कारण आग से प्रतिरक्षित थी, मतलब कि होलिका जो है वो कभी भी आग से जलती नहीं थी, ठीक है। उनके अंदर एक ऐसा, मतलब उनके अंदर एक विशेष था, विशेष चीज़ें थी जो कि वो आग से, उनके अंदर, उनको आग से वो जल नहीं सकती थी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसके बाद क्या हुआ, फिर आप देख सकते हैं, सी ट्रिक्ड प्रहलाद इनटू सिटिंग विद हर ऑन पायर, ठीक है, कहना क्या, उसने प्रहलाद को, मतलब ट्रिक्ड किया प्रहलाद को इनटू सिटिंग विद हर ऑन अ पायर, मतलब उसने प्रहलाद को धोखे से अपने साथ चीता पर बैठा लिया। पायर मतलब होता है चीता, PYR पायर, ठीक है। हाउएवर एज द फायर रोअर्ड, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही आग भड़की, मतलब आग लगी, द क्लॉक फ्यू फ्रॉम होलिका एंड कवर्ड प्रहलाद, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, होलिका ने लबादा उड़ गया, मतलब जो उसको पहनने वाला जो था, जो उड़ने वाला था, वो क्या हो गया, उड़ गया, क्लॉक उड़ गया फ्रॉम होलिका एंड कवर्ड द प्रहलाद, मतलब जो
होलिका जो होलिका जी थी वो क्या, होलिका जो वो कवर्ड करती थी अपना, उनके अंदर एक शक्ति थी कि वो कवर्ड करती थी तो उनको आग नहीं लग जलती थी। वो क्या हुआ, उड़ करके होलिका जो है, होलिका का जो उड़ करके कहाँ चला गया, प्रहलाद के पास चला गया, ठीक है, और प्रहलाद को ढक लिया। बात समझ में आ गई होगी सभी को आपको, प्रहलाद को ढक लिया, सेविंग हिम एंड बर्निंग होलिका टू एश, मतलब प्रहलाद को ये क्या आ गया, वो जो क्लॉक था वो आके उनके ऊपर ढक गया, और ढकने की वजह से प्रहलाद बच गया, ठीक है, और प्रहलाद को ढक लिया जिससे वो बच गया। और अपनी प्रतिरक्षा के बावजूद, उसके बाद अपने उसके अंदर प्रतिरक्षा होने के बावजूद, प्रतिरक्षा का मतलब होता है कि जो आग से बचने की उनके अंदर प्रतिरक्षा थी, मतलब आग से वो नहीं जलती, तो होने के बावजूद होलिका क्या हो जाती है, होलिका टू एसएस, होलिका एसएस, एसएस मतलब होता है राख हो जाती है, एसएस मतलब राख हो गई, ठीक है, होलिका जल के राख हो गई, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ हर इम्यूनिटी, उसके उनके मतलब उसके जल कर राख हो जाए अपनी प्रतिरक्षा के बावजूद, मतलब उनके अंदर इम्यूनिटी थी ना, मतलब प्रतिरक्षा थी उनके अंदर आग से बचने की, ठीक है। आगे देखिए क्या करते हैं, दिस लीजेंड सिम्बोलाइज द ट्रियम्फ ऑफ गुड ओवर इविल, मतलब ये बताता है, ये घटना ये क्या बताता है, यह कथा बुराई पर अच्छाई और विश्वासघात, ध्यान दीजिएगा आगे क्या है, एंड फेथ ओवर ट्रेचरी, मतलब कि यह कथा बुराई पर अच्छाई और विश्वासघात पर विश्वास की विजय का प्रतीक है, विश्वास, फेथ ओवर द ट्रेचरी, ठीक है, मतलब विश्वास की विजय का प्रतीक है, विश्वास की विजय का प्रतीक इसको बोलते हैं, ठीक है। होली सेलिब्रेटेड ओवर टू डे, होली दो दिन मनाई जाती है, द नाइट बिफोर द फुल मून इन द हिंदू मंथ ऑफ फाल्गुना विच फॉल्स अराउंड लेट फरवरी और मार्च, ठीक है, मतलब फरवरी मार्च के टाइम होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि यह होली दो दिनों तक मनाई जाती है, होली इज ओवर टू डे, एंड क्या इसका मतलब हुआ, फागुन के हिंदू महीने में पूर्णिमा से पहले की रात जो फरवरी या मार्च के अंत में आती है, लोग होलिका के जलाने और प्रहलाद की सुरक्षा के याद में जलाते हैं, वही जो प्रहलाद बच गया था, ठीक है, प्रहलाद सही मतलब व्यक्ति था, होलिका एक छल कपट कर रही थी इस वजह से वो जल गई, तो इसी के याद में हम लोग होलिका जलाते हैं। आप सभी को पता होगा, आप लोग होलिका जलाते होंगे, आपके आसपास होता होगा, ठीक है। पीपुल लाइट्स बर्न फायर इन मेमोरी ऑफ द बर्निंग ऑफ होलिका एंड द प्रोटेक्शन ऑफ प्रहलाद, ठीक है, ये इसलिए माना जाता है कि होलिका के जलने और प्रहलाद की सुरक्षा के याद में अलाव जलाते हैं, अलाव मतलब वही बर्निंग ऑफ होलिका एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्रहलाद, ठीक है, आग जलाते हैं जो, ठीक है, इसे होलिका दहन के नाम से जाना जाता है, किसे, इसे, दिस इज नोन एज, ध्यान दीजिएगा, दिस इज नोन एज होलिका दहन, एंड द नेक्स्ट डे रंग वाली होली इज वेन द आइनिक प्ले विथ कलर्स हैपन, ठीक है, अगले दिन रंग वाली होली होती है जब रंगों के साथ प्रतिष्ठित खेल होता है, मतलब लोग क्या करते हैं, आइकॉनिक प्ले, मतलब अच्छे से लोग एक दूसरे के साथ कलर लगा करके क्या करते हैं, खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पीपुल स्मीयर ईच अदर विथ वाइब्रेंट पाउडर, ठीक है, क्या करते हैं, पीपुल एक दूसरे को पाउडर लगाते हैं, मतलब रंग वाला पाउडर लगाते हैं, ड्रेंच ईच अदर मतलब क्या होता है, एक दूसरे को रंगीन पानी से क्या करते हैं, विथ कलर्ड वाटर, ड्रेंच मतलब एक दूसरे को रंगीन पानी से, मतलब रंग वाली पानी से फेंकते हैं, कलर करते हैं उसको, ठीक है, एंड सेलिब्रेट विथ म्यूजिक डांस एंड फेस्टिव फूड। उसके बाद क्या करते हैं, डांस करते हैं और जो म्यूजिक बजाते हैं, उसके साथ ही साथ कुछ अच्छे जो खाने की चीज़ें होती हैं उस वक्त, जो भोजन होते जैसे गुजिया बनता है और पुआ बनता है और अच्छी अच्छी खाने खीर बनता है, सब चीज़ें बनती हैं, ठीक है, तो इसके साथ इंजॉय करते हैं। इट इज, आगे क्या है, इट्स अ डे व्हेन सोशल नॉर्म्स आर रिलैक्स्ड एंड पीपुल ऑफ ऑल एज एंड होली इज मोर देन जस्ट अ फेस्टिवल, इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, फॉरगिवनेस एंड ए फ्रेश स्टार्ट। इसका क्या मतलब है कि यह एक ऐसा दिन है जब सामाजिक मानदंडों में ढील दी जाती, मतलब सामाजिक चीज़ों जो एक उम्र का लिहाज होता था ना, उसमें छोटे बड़े बुजुर्ग 40 साल के लड़के, 40 साल के जो अंकल होते हैं, 60 साल के, 70 साल, मतलब इसमें सभी एज के ग्रुप के जो भी लोग होते हैं, छोटे से लेके बड़े तक, बुजुर्ग तक, सभी लोग क्या करते हैं उस दिन, इस एज के जो बाउंडेशन को हटा दिया जाता है और सब लोग अच्छे से क्या करते हैं, होली खेलते हैं, ठीक है, और सभी उम्र के पृष्ठभूमि, सभी लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रेम और खुशी को क्या करते हैं, साझा करते हैं, एक साथ आते हैं, मतलब लाइफ फॉरगिवनेस, ठीक है, प्यार साझा करते हैं। आगे चलते हैं, इसके देखिए क्या है, ठीक है, इट इनकरेज पीपुल टू कास्ट अवे द ग्लूम ऑफ विंटर एंड एम्ब्रेस द कलर, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान दीजिएगा, सभी उम्र के लोग जो खुशी मनाते हैं होली, ठीक है, अब आगे आते हैं, ठीक है, इट ये क्या कहता है, इनकरेज करता है, उत्साहित करता है कि सभी लोग क्या करें, कास्ट अवे ग्लूम ऑफ विंटर एंड एम्ब्रेस द, ठीक है, यह एक त्यौहार कहीं अधिक है और
यह जीवन क्षमा एक नई शुरुआत का उत्सव करता है। यहाँ लोग सर्दियों से निराशा को दूर करते हैं, ठीक है, जितने भी मतलब जो बहुत दिन से निराशा आई है, बहुत एक दूसरे से नाराजगी है, उसको क्या करते हैं, दूर करते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं उसके बाद क्या, ऑफ स्प्रिंग ऑफ एन ओपन हार्ट, क्या करते हैं, यहाँ लोग सर्दियों जो बहुत पुराना निराशा को दूर करते हैं, खुले दिल से वसंत के रंगों को अपनाते हैं और साथ ही साथ एक ओपन हार्ट मतलब एक खुला दिल की तरह एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रेम को साझा करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको बातें समझ में आ गई होगी तो इसी से हम लोग क्या करते हैं, होली बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली एंड खूब मस्ती से होली आप मनाइएगा, सबको रंग जरूर लगाइएगा और सभी को होली ऐसे जैसे मैं इस पर चला रहा हूँ इसी तरीके से आप सबको क्या करिएगा, रंग लगाइएगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी होली टू ऑल। थैंक यू।